हेलो दोस्तों, आज फिर हम बात करने वाले हैं वीवो I20 2 डिवाइस के अंदर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग कैसे करें। दोस्तों आप अपने फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग कैसे करेंगे। दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग के अंदर होता है कि आप अपने ऑफिस रूम के ऊपर क्लॉक सेटिंग कर सकते हैं, वहाँ पे म्यूजिक बटन यूज कर सकते हैं, वहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो कर सकते हैं। ये सब चीज़ आप अपने ऑफिस स्क्रीन के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप कैसे यूज करेंगे, कैसे इनेबल करेंगे इस सेटिंग को, सब कुछ यहाँ पे हम आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों कुछ फ़ोनों के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग जो है वो सेटिंग के अंदर मिल जाता है, और कुछ फ़ोन के अंदर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग है वो नहीं मिलता है। तो उसमें यूज़ करने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर से एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और इसके बाद आप अपने फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग यूज़ कर पाएंगे। तो हमारे फ़ोन में यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग नहीं है, तो हम अपने प्ले स्टोर से एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और इसको यूज करेंगे। तो चलिए अपने प्ले स्टोर को यहाँ पे ओपन करते हैं। आप देख रहे जो हमारा प्ले स्टोर यहाँ पे ओपन हो जाता है, और ऊपर में आपको सर्च करना है यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो हम यहाँ पे पहले सर्च किए हैं, तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ एप्लीकेशन आ जाता है, और यहाँ पे को एप्लीकेशन आ रहा ऑलवेज ऑन अमोलेड। तो आपको इस पर क्लिक करना है, और ये आप देख रहे हैं 10 मिलियन लगभग इसके यूजर्स हैं। यहाँ पे 10 मिलियन लोग इसको डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं, और आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल होगा, और इसके बाद आपके फ़ोन में जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो दोस्तों इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। हमारे फ़ोन में अभी यहाँ आप देख रहे हैं ये डाउनलोड होकर यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा, तो आपको अपने फ़ोन में इस तरह से इंस्टॉल करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ओपन का बटन आ रहा, आपको इसको ओपन करना है। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा परमिशन करना है आपको, इसको ओके करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये परमिशन यहाँ पे ओके हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे 4 में परमिशन और देने होते हैं आपको, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपके जो एप्लीकेशन है सारे एप्लीकेशन यहाँ पे आएंगे, और जिस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड किया उस एप्लीकेशन को यहाँ पे आपको परमिशन देना है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे इस बटन को इनेबल कर देना है। ये परमिशन यहाँ पे ओके हो जाएगा, और यहाँ से आपको बैक होना है, और यहाँ पे आपको सेकंड नंबर वाले को क्लिक करना है, और यहाँ पे अलाउ कर देना है। ये भी परमिशन यहाँ पे ओके हो जाएगा, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपके एप्लीकेशन है यहाँ पे आ रहा, और आपको इसको फिर से अपने एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अलाउ कर देना है। ये भी परमिशन यहाँ पे ओके हो जाएगा, और नीचे आना है, और यहाँ से बैक होना है, और इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ़ोन नंबर पे आपको इस पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपको फिर से अपने एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, और इसको भी परमिशन ओके कर देना है। ये इनेबल हो जाएगा आपके फ़ोन में। तो आप देख रहे हैं हमारे फ़ोन में जो सारे परमिशन यहाँ पे ओके हो जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए बटन आपको मिलता है, आपको इसको क्लिक करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे अलाउ नाउ का ऑप्शन आता है, आपको अलाउ नाउ कर देना है। यहाँ पे अलाउ करना है, ये आपके फ़ोन में इनेबल हो जाएगा। इस तरह से आपके स्क्रीन पे ये शो होगा, और ऊपर में आप देख रहे हैं एक बटन है, आपको इसको इनेबल रखना है। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बटन और आ रहा, अगर आपको अपने फ़ोन में क्लॉक यूज़ करना है तो आपको इसको इनेबल रखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लॉक डिसाइड करने पर आप कौन सा क्लॉक यूज़ करेंगे, और इसके बाद नीचे आपको अनलॉक क्लॉक मिलता है, अगर आपको अनलॉक यूज़ करना कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं और भी क्लॉक हैं जिसको आपको यूज़ करना है कर सकते हैं, अगर नहीं यूज़ करना है नहीं भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लॉक मैनेज करने के लिए मिल रहा है, यहाँ से आप अपने क्लॉक को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको यहाँ पे फ़ोन का ऑप्शन मिलता है, आपको फ़ोन पे क्लिक करना है, और यहाँ से अपने क्लॉक को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसके अलावा कलर को आप इस जो आपका क्लॉक है इसको आप कलर में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी कलर में और आपको यूज करना कर सकते हैं, और यहाँ पे जो आपका फ़ोन है उसको अलग डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग फ़ोन मिलता है आपको, इस तरह से इसको चेंज कर लेना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड लगाने को आता है, आप यहाँ से बैकग्राउंड लगा सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड मिलते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे बैकग्राउंड को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे भीतर डेट म्यूजिक, यहाँ पे म्यूजिक बटन भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं म्यूजिक बटन आ रहा, आपको इसको इनेबल रखना है, और ये आपके स्क्रीन पे इस तरह से शो होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से अपने इस सेटिंग को यहाँ पे मैनेज कर लेना है, और बैटरी परसेंटेज भी यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको जो बैटरी परसेंटेज है यहाँ पे आ रहा, आपको इसको क्लिक करना है, ये आपके फ़ोन में इनेबल हो जाएगा। जब ये क्लॉक आपके स्क्रीन पे शो होगा तो वहाँ पे आपका जो बैटरी परसेंटेज है वो भी यहाँ पे शो होगा। इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, और अपने फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग यूज कर सकते हैं। चलिए हम इसको यहाँ से कट करते हैं, और अपने जो फ़ोन की लाइट है इसको यहाँ पे ऑफ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे ऑफ करते हैं, यहाँ पे जो हमारा क्लॉक यहाँ पे शो हो जाएगा। आप देख रहे हैं जो हमारा क्लॉक यहाँ पे शो रहा, डेट यहाँ पे शो रहा, बैटरी परसेंटेज यहाँ पे शो रहा। तो इस तरह से आपके फ़ोन में ये शो हो जाएगा, जब आपके स्क्रीन की जो लाइट है यहाँ पे ऑफ हो जाएगा तभी जाके आपके स्क्रीन पे शो होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको अपने फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग करना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।